हेलो फ्रेंड्स, मैं हीरा कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है डीप ग्रुप बॉल बैरिंग। डीप ग्रुप बॉल बैरिंग जिसके अंतर्गत हम जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शंस, इसके फीचर्स, इसके टाइप्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बॉल बैरिंग के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। इसको नॉर्मली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला रेडियल बॉल बैरिंग एंड अनदर वन इज थ्रस्ट बॉल बैरिंग। आगे रेडियल बॉल बैरिंग को डीप ग्रुप बॉल बैरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग एंड फोर पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग में डिवाइड करते हैं। थ्रस्ट बॉल बैरिंग को भी इसी तरह सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बैरिंग, डबल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बैरिंग एंड लास्ट वन इज एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बैरिंग। आज का मेरा टॉपिक डीप ग्रुप बॉल बैरिंग है। सबसे पहले जानते हैं डीप ग्रुप बॉल बैरिंग होता क्या है। डीप ग्रुप बॉल बैरिंग आर सिमिलर टू ट्रेडिशनल बैरिंग बट हैव ए रेशियो दैट क्लोजली फिट द डायमेंशन ऑफ द बॉल्स। दे हैव लो फ्रिक्शन एंड दे आर द ऑप्टिमाइज फॉर लो नॉइज एंड लो वाइब्रेशन विच इनेबल हाई रोटेशन स्पीड। डीप ग्रुप बॉल बैरिंग पारंपरिक बैरिंग के समान होते हैं लेकिन इनमें रेशियो होते हैं जो बॉल के आयामों के करीब फिट होते हैं। उनके पास कम घर्षण और कम शोर और कम कंपन के लिए अनुकूलित है जो उच्च घूर्णन गति को सक्षम बनाता है। सभी बैरिंग की तरह इसमें भी आउटर रिंग, इनर रिंग, सील्ड कवर, बॉल एंड कैज होते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डीप ग्रुप बॉल बैरिंग हैज़ बोथ इनर एंड आउटर एस इट हैज़ बॉल एंड रोलिंग एलिमेंट एंड कंसिस्ट रिटेनर और केस। डीप ग्रुप बॉल बैरिंग में आंतरिक और बाहरी दो रेश होते हैं। इसमें रोलिंग तत्व के रूप में बॉल और बॉल केस में होते हैं। द इनर एंड आउटर एस एंड बॉल आर मेड अप नॉर्मली SAE 52100 मटेरियल। इनर आउटर रेस और बॉल सामान्य रूप से SAE 52100 मटेरियल से बनी होती है एंड द केस इज मेड अप ऑफ स्टील सीट, ब्रास सीट और प्लास्टिक। और केज स्टील सीट, पीतल सीट या प्लास्टिक सीट से बना होता है। इट सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम लोड। यह छोटे और मध्यम भार का सपोर्ट करता है। एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डीप ग्रुप बॉल बैरिंग डिपेंड ऑन इंटरनल क्लियरेंस। डीप ग्रुप बॉल बैरिंग की अक्षीय भार यानी कि एक्सियल लोड वहन की क्षमता इंटरनल क्लियरेंस पर निर्भर करता है। इट मॉडरेटेड रेडियल एंड थ्रस्ट लोड इन बोथ डायरेक्शन बाई द अमाउंट ऑफ एक्सियल क्लियरेंस। दिस क्रिएट ए नॉमिनल कॉन्टेक्ट एंगल विच इज responsible for the bearing to take moderate thrust load with radial load. ये दोनों दिशाओं रेडियल एंड थ्रस्ट में लोड बनाता है। एक्सियल क्लियरेंस से एक नाम मात्र कॉन्टेक्ट एंगल बनाता है जो इसके लिए रेडियल लोड के साथ थ्रस्ट लोड लेने के लिए जिम्मेदार होता है। Suitable for high speed application due to low centrifugal stress because of a smaller weight of balls and low operating temperature due to low coefficient of friction. बॉल के छोटे वजन के कारण, कम सेंट्रीफ्यूगल तनाव के कारण और घर्षण के कम गुणांक के कारण, कम परिचालन तापमान के कारण हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त होता है। लेस टॉलरेंस ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ इनर एंड आउटर रेस। इनर एंड आउटर रेस के बीच मिसअलाइनमेंट की टॉलरेंस कम होती है। हाई रनिंग एक्यूरेसी ड्यू टू मैन्युफैक्चर विद हाई प्रिसिशन। उच्च परिशुद्धता के साथ निर्मित होने के कारण उच्च चलने की सटीकता होती है। लो फ्रिक्शन एंड लेस नॉइस। इसमें कम घर्षण और कम शोर होता है। सिंस बॉल कैन नॉट मूव इन ग्रुप्स इन एक्सियल डायरेक्शन बियॉन्ड एक्सियल क्लियरेंस विच इज वेरी little anyway, axial displacement is not possible in deep group ball bearing. चूँकि बॉल अक्षीय निकासी एक्सियल डायरेक्शन से पड़े अक्षीय दिशा में खांचे में नहीं
जा सकती है, जो कि वैसे भी बहुत कम है। डीप ग्रूव बैरिंग में अक्षीय विस्थापन यानी कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है। इसकी टाइप की बात करें तो फर्स्ट वन इज सिंगल रॉड डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, डबल रॉड ग्रूव बॉल बैरिंग, हाइब्रिड डीप ग्रूव बॉल बैरिंग एंड स्टेनलेस स्टील डीप ग्रूव बॉल बैरिंग। सिंगल रॉड डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, सिंगल रॉड डीप ग्रूव बॉल बैरिंग आर द मोस्ट वाइडली यूज बैरिंग टाइप। दे आर अवेलेबल कैप्ड सील और विदाउट सील और ओपन बैरिंग दैट्स आर ऑल्सो अवेलेबल कैप्ड मे हैव रेसेस इन द रिंग साइड फेसेस। सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बैरिंग सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बैरिंग के प्रकार है। वे कैप या खुले में उपलब्ध है, अपने ओपन बैरिंग जो कैप भी उपलब्ध है उसमें रिंग साइड फेस में रिसेस हो सकते हैं। डबल रो डीप ग्रूव बॉल बैरिंग के बारे में जानते हैं। डबल रो डीप ग्रूव बॉल बैरिंग आर वेरी सुटेबल फॉर बैरिंग अरेंजमेंट वेयर द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल रो बैरिंग इज इनएडिक्वेट फॉर द सेम बोर्ड एंड आउटसाइड डायमीटर। डबल रो बैरिंग आर द स्लाइटली वाइडर देन द सिंगल रो बैरिंग इन द 62 एंड 63 सीरीज बट हैव ए कंसिडर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी। डबल रॉ डीप ग्रूव बॉल बैरिंग बैरिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत उपयुक्त है जहां सिंगल रॉ बैरिंग की भार वहन क्षमता पर्याप्त है। एक ही बोर और बाहरी व्यास के लिए डबल रॉ बैरिंग 62 और 63 सीरीज में सिंगल रॉ बैरिंग की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन इनमें भार वहन करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। हाइब्रिड डीप ग्रूव बॉल बैरिंग इट इज नॉन सेपरेबल एंड सुटेबल फॉर हाई स्पीड एकोमोडेट फेडियल लोड एंड एक्सियल लोड इन बोथ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ देयर अनस्ट्रक्चर्ड रेसवे ग्रुप्स हैव ए क्लोज ऑसिलेशन विद द वॉल्स। यह गैर वियोज्य और उच्च गति के लिए उपयुक्त है। दोनों दिशाओं में रेडियल भार और अक्षीय भार को समायोजित करता है क्योंकि उनके निर्वाध रेसवे खांचे में बॉल के साथ एक करीबी दोलन होता है। अवेलेबल विथ ए बोर डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 5 to 180 mm विथ द बोर डायमीटर 45 mm आर मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स इन द पावर रेंज अप टू 15 kW एज वेल एज फॉर पावर टूल्स एंड हाई स्पीड ड्राइव्स। बोर ब्यास 45 mm के साथ 5 से 180 mm तक के बोर ब्यास के साथ उपलब्ध है, जो कि पॉइंट में यानी कि अप टू 15 kW के पावर रेंज में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ बिजली उपकरण और हाई स्पीड ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। स्टेनलेस स्टील डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, स्टेनलेस स्टील डीप ग्रूव बॉल बैरिंग आर कॉशनेस्ट रेसिस्टेंस व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड सेवरल अदर मीडिया। दे आर अवेलेबल कैप्स सील और विदाउट सील्स और ओपन। दिस बैरिंग हैव ए लोअर लोड कैरिंग कैपेसिटी देन सेम साइज बैरिंग मेड ऑफ हाई क्रोमियम स्टील। नमी और कई अन्य मीडिया के संपर्क आने पर यह जंग प्रतिरोधी होते हैं। वे कैप सील या ढाल के साथ या खुले में उपलब्ध होते हैं। इन बैरिंग में उच्च क्रोमियम स्टील से बने समान आकार के बैरिंग की तुलना में कम भार वहन करने की क्षमता होती है। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यह मोटर में, फैन में, कंप्रेसर में या फिर कन्वेयर में लगे होते हैं। और भी कई जगह लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। We'll be right back.